past continuous tense. Improve your English with confidence. To subscribe this channel, Great Solutions Institute. जैसा कि आपने देख लिया है, हम आज बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस की। अगर मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूं आपसे, तो मैं उस समय बात कर रहा हूं जो बात बीत चुकी है और मैं उस बीते हुए समय में कोई काम कर रहा था, कोई कार्य कर रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं क्या कि पिछले रविवार, पिछले संडे को मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा था, मैं पिछले सप्ताह कपड़े धो रहा था। मीन्स किसी बीते हुए समय में अगर मैं कोई कार्य कर रहा था तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी फॉर्मेशन क्या है, चलिए बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है, वॉज और वर। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस साथ में आएगा आईएनजी, और फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई। तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। आई हो, ही हो, शी हो या फिर इट हो, इन चारों के साथ आएगा वॉज। और जो होता है प्लूरल, वी यू दे, वहां पे आएगा वर्ब, वॉज वर्ब, ही शी इट वॉज, आई वॉज, वी यू दे वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो यहाँ पे क्या बनना कि मैं ऑफिस जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, तुम ऑफिस जा रहे थे तो यू वर गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू ऑफिस, इस तरह से। सो उम्मीद करता हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं उसमें कौन कौन से वर्ब यूज करेंगे, पहले उसका एक डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब्स यूजिंग द अपकमिंग सेंटेंसेस इन दिस वीडियो, सबसे पहले क्या है, गो। गो का मतलब क्या है, जाना। स्टैंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, खड़ा होना। नॉटी मीन्स शरारत करना, जो शरारतें करता है उसको नॉटी कहते हैं। स्टेयर, किसी को एक नज़र देखना, मतलब अपनी जो पलकें होती है ना उसको झपकना भी नहीं है, एक टक देखना उसको, एक टक। बाय, खरीदना। सिट, बैठना। ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना। सिंग, सबको पता ही है, गाना गाना। डांस, नाचना। राइट, लिखना। टॉक, बात करना। रीड, पढ़ना। मेक, कुछ बनाना। टॉक, बोलना। टॉक दोबारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाई, उड़ना। ब्रिंग, कोई चीज़ बाहर से लेके आना। प्ले, खेलना। वाटर, पानी। रिंग, बजाना, जैसे कोई बेल बजती है, रिंग। शाइन, चमकना। स्कोल्ड, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, स्कोल्ड। तो चलिए बात करते हैं अभी प्रैक्टिस सेंटेंसेस की। जब मैं स्कूल जा रहा था, मैं किसी से बात कर रहा हूँ क्या कि जब मैं स्कूल जा रहा था, अब जब के लिए यहाँ पे क्या आएगा, वेन। अब वेन को अगर मैं निकाल दूँ तो क्या बना, मैं स्कूल जा रहा था तो आई, आई के साथ क्या आता है, वॉज। सो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब वाक्य क्या बना, जब मैं स्कूल जा रहा था तो वेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, सिंपल है ना। जब के लिए यहाँ पे क्या है, वेन। मैं स्कूल जा रहा था तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, आई। आई के साथ क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वॉज। तो आई वॉज गो प्लस आई एन जी, गोइंग। आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल। सो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। सो अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि जब मैं स्कूल जा रहा था, तो विच मीन्स वेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। वहां एक शरारती लड़का खड़ा था, वहां पर, वहां एक शरारती लड़का खड़ा था। ए नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, अ नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर। ए नॉटी क्यों आया, क्योंकि एक शरारती लड़का, मीन्स एक शरारती लड़का, अ नॉटी बॉय वहां खड़ा था। सो वॉज स्टैंडिंग देयर, अ नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर। आप साथ साथ में इसको बोलिए, आप बोलेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, उसके सेंस को समझ आ जाएगी आपको कि वो क्या बात कर रहा है। वहां एक शरारती लड़का खड़ा था तो ए नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, which means stare, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, staring, वह उसे, so he was staring her, वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, so he was staring her, और अगर वो लड़के को देख रहा था तो he was staring him, ठीक है, लड़का है तो him, लड़की है तो her, और अगर हम सब्जेक्ट की बात करने की, जो देख रहा था तो लड़का है तो he, लड़की है तो she, तो अगर यहाँ पे वाक्य होता क्या कि वह उसे टकटकी लगाकर देख रही थी, सो शी वॉज स्टेयरिंग हर, ओके। ठंडी हवा चल रही थी, अब ठंडी हवा विच मीन्स कोल्ड, कोल्ड वेव्स, चलने के लिए क्या होता है, ब्लो, बी एल ओ डब्ल्यू, ठंडी हवा चल रही थी विच मीन्स द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बी एल ओ आई एन जी, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे थे, लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे थे, मतलब मैं बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ कि लास्ट संडे या लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ लोग ये काम कर रहे थे, तो लोग अपनी जरूरत का, विच मीन्स नीडेड थिंग्स,
needy things. So log, the people were buying their needed things. The people means log. The people were buying their needed things. कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे. कुछ लड़के, some boys या फिर few boys. कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे, a tree. Some boys were sitting under a tree. Some boys were sitting under a tree. कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे. एक छोटा बंदर कार चला रहा था. एक छोटा बंदर कार चला रहा था. अब यहाँ पे देखिए पर्सन का नाम आ गया ना, एक जानवर का नाम आ गया. A small monkey was driving the car. क्योंकि छोटा बंदर है, अगर होता एक बंदर तो a monkey, ठीक है, लेकिन एक छोटा बंदर, a small monkey was driving the car. सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था. सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था. तो सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज. सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज. मोर जंगल में नाच रहा था. मोर जंगल में नाच रहा था. द पीकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट. द पीकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट. मैं अपने कमरे में पत्र नहीं लिख रहा था. मैं अपने कमरे में पत्र नहीं लिख रहा था. सो आई वॉज नॉट राइटिंग. मैं अपने कमरे में पत्र नहीं लिख रहा था. सो आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर इन माई रूम. आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर इन माई रूम. जैसे जैसे आप इसको साथ साथ में बोलते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये घर कर जाएंगे. और यकीन मानिए, जब आप नेक्स्ट टाइम कोई सेंटेंस आपके पास आएगा ना, तो आप एक मिनट के अंदर चुटकी बजाते ही बोल देंगे कि हाँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने कमरे में गाना गा रहा था. तो आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग इन माई रूम. सिंपल. वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी. She was not talking. She was not talking to me by phone. या फिर she was not talking to me on phone. तो by phone means phone के द्वारा मुझसे बात नहीं कर रही थी, या फिर phone के ऊपर मुझसे बात नहीं कर रही थी. तो वह phone पर मुझसे बात नहीं कर रही थी. तो she was not talking to me on phone. वे मैदान में अखबार नहीं पढ़ रहे थे. अखबार पढ़ना means newspaper. Read newspaper. वे मैदान में, which means ground. So वे का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग. तो which means they. So they were not reading newspaper. कहाँ पे? In the field. या फिर in the ground. They were not reading newspaper in the field. हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे. हम अपनी क्लास में. So we were not. हम अपनी क्लास में शोर. अब शोर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? Noise. So we were not making a noise in our classroom. अपनी क्लास में. So in our. अगर क्लास में होता तो इन द क्लास आया था, बट वो हमारी अपनी क्लास है तो इन आवर क्लास आएगा, इन आर क्लास. सो वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन आर क्लास. हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे. नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था. अब नौकर मीन्स सर्वेंट. सर्वेंट मीन्स नौकर. नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था. द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स. द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स. कहाँ से? बाजार से. तो फ्रॉम द मार्केट. नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था, विच मीन्स द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी. द गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल. ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे. वे नहीं, वे तो होता दे. ये है ये लड़के, विच मीन्स दीज बॉयज. These boys were not flying the kite. ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे. तो पतंग क्या होता है? Fly, kite. और उड़ाना का मतलब क्या होता है? Fly. So which means these boys were not flying the kite. कि ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे. खिलाड़ी मैच खेल नहीं रहे थे. खिलाड़ी means players. So the players were not playing the match. खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे, which means The players बहुत सारे हैं. The players were not playing the match. जिसका मतलब है क्या हिंदी में? खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे. माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था. माली means the gardener. GARDEN. गार्डन क्या होता है? बाग. और जो बाग की रखवाली करता है, इसको बागबान कहते हैं, उसको क्या होता है? गार्डनर. पानी नहीं दे रहा, विच मीन्स वाटरिंग. सो माली पौधों को पानी नहीं दे रहा, विच मीन्स द गार्डनर वॉज नॉट वॉटरिंग द प्लांट. अब यहाँ पे वॉज क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही शी इट. प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर में है, मतलब एक पर्सन है. माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, इसमें इसका मतलब क्या हुआ? द गार्डनर वॉज नॉट वॉटरिंग द प्लांट्स. क्या आसमान में सितारे चमक रहे हैं? अब जो फॉर्मेशन आपकी हुई, पहले मैंने बताया आपको पॉजिटिव, फिर मैंने बताया आपको नेगेटिव, अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव के, विच मीन्स क्वेश्चन मार्क में जो आता है. और वो क्या आ रहा है? क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे?
अब मैं क्या को निकालूं तो आसमान में सितारे चमक रहे थे, तो क्या बोलेंगे? आसमान में सितारे, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। तो अब क्या आया? तो वर्ब पहले आ जाएगा, सो वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। सेंस को समझिए कि अगर मैं क्या को निकाल दूं तो आसमान में सितारे चमक रहे थे, उसका मतलब क्या है? द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, इसका मतलब हुआ क्या कि सितारे आसमान में चमक रहे थे। तो अब मैंने क्या लगाया तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या आई? वर, तो वर द स्टार शाइनिंग इन द स्काई। अब ये आप बना के देखिए क्या कि क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। चपरासी मीन्स पियोन और घंटी मीन्स रिंग। सो अगर मैं क्या को निकालूं तो चपरासी घंटी बजा रहा था, विच मीन्स द पियोन वॉज रिंगिंग द बेल, द पियोन वॉज रिंगिंग द बेल। अब इंटरोगेटिव है तो वॉज पहले आ जाएगा, सो वॉज द पियन रिंगिंग द बेल, वॉज द पियन रिंगिंग बेल, वॉज द पियन रिंगिंग बेल। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था? अब सुनार जो सोना चांदी जेवरात बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, GOLD, गोल्ड SMITH विदाउट एनी स्पेस, गोल्ड स्मिथ। तो क्या सुनार अंगूठी बना रहा था? वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग, वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग। अगर मैं क्या को निकाल दूं तो देखिए सेंस क्या बनती है कि सुनार अंगूठी बना रहा था, विच मीन्स द गोल्ड स्मिथ वॉज मेकिंग अ रिंग। अब क्या आया तो वॉज पहले चला गया, सो वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग। क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे? अब धमकाना का मतलब यहाँ पे होता है कि स्कॉल्ड, SCOLD, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कोल्डिंग। सो क्या मास्टर जी, अब क्या को निकाल दीजिए? मास्टर जी विद्यार्थी को धमका रहे थे, सो द टीचर वर स्कोल्डिंग, द टीचर वर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। अब वॉज पहले आ जाएगा तो वॉज द टीचर स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स, वॉज द टीचर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। क्या स्टेज पर कोई भाषण दे रहा था? अब विच मीन्स स्पीच, क्या स्टेज पर कोई भाषण दे रहा था, तो वॉज समवन डिलीवरिंग द स्पीच ऑन द स्टेज। क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी? क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, क्या कोट आई है? ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, विच मीन्स क्या? द ट्रेन वॉज एट द स्टेशन, द ट्रेन वॉज एट द स्टेशन, सो वॉज द ट्रेन, वॉज द ट्रेन एट द स्टेशन, सिंपल इंटरोगेटिव। तो क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी? वॉज द ट्रेन एट द स्टेशन। क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे? अब देखिए लड़के हैं, लड़का नहीं है, विच मीन्स बहुत सारे, तो वर आएगा, है ना। अब मैं क्या को निकालता हूँ तो लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे, विच मीन्स द बॉयज वर वॉचिंग द मूवी ऑन संडे। अब वर आ जाएगा पहले क्योंकि क्या मैंने पूछा इंटरोगेटिव सेंस के अंदर, सो वर द बॉयज वॉचिंग द फिल्म और मूवी ऑन संडे, वर द बॉयज वॉचिंग द मूवी ऑन संडे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है कि पास्ट टेंस का एक्चुअली फॉर्मेशन क्या है और हम किस चीज़ से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट टेंस कॉन्टीन्यूस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है या फिर किसी और फॉर्मेशन का ये वाक्य है। तो अगर हम बात करते हैं पास्ट में किसी बीते हुए समय की, जो हम बात कर रहे हैं कि वो हो रहा था, तो वहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब आती है वो क्या आती है? वॉज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आएगा ING, दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए, कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए जो कि इंपॉर्टेंट हो आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।